अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ न्यू ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। तो ये देखिए, आज हम सुबह उठे हैं तो हमारी टैंकी भर भर के गिर रही थी और ये मैं भी सारा पानी साफ़ कर चुकी हूँ। और सेकंड बात ये है कि आज हमारी गैस ख़त्म हो गई तो अब गैस डलवाने गए हैं शहज़ाद। तो ये देखें, आप ये देख सकते हैं हमारा पराठा भी कच्चा पक्का है और हमारी गैस ख़त्म हो गई। तो अब शहज़ाद गए हैं गैस डलवाने, अब गैस डलवा कर आएंगे तो फिर हम बनाएंगे नाश्ता। और अभी मैं साफ़ सफ़ाई कर चुकी हूँ कमरे की, ये देखें आप लोग, और सारे दिन की रूटीन आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। ऐसी बना रही हूँ, लिखो तेज तेज तितली। तो फाइनली यहाँ नाश्ता बन चुका है और हम नाश्ता करने बैठ गए हैं। अच्छा, ये मैं सालन हम जो खा रहे हैं इसकी रेसिपी मैंने आपको कल अपलोड कर दी है। अगर किसी को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो वो मेरे वीडियो पर जा सकता है, मेरे ब्लॉग्स पे, वहाँ पर आपको रेसिपी मिल जाएगी। तो नाश्ता कर चुके हैं और बच्चों का यूनिफॉर्म प्रेस करना है मुझे इनके मदरसे का, तो मैं यहाँ पर यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं होता कब लाइट चली जाए, इसलिए जल्दी से हर काम करके रख लेती हूँ पहले से रेडी में। तो अभी यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ, शिफा की शर्ट प्रेस हो चुकी है, अभी शलवार प्रेस कर रही हूँ। यहाँ पर बच्चों के यूनिफॉर्म भी प्रेस हो गए हैं और इशमल ट्यूशन का काम करके बैठी हुई है ना। इशमल ट्यूशन का काम कर लिया आपने? इशमल ने ट्यूशन का काम कर लिया लेकिन ये बैग नहीं उतार रही हैं। और शिफा जो है अभी ट्यूशन का काम कर रही हैं, ये थोड़ा लेजी हैं, ये थोड़ा लेट करती हैं और इनका काम भी कुछ ज़्यादा होता है। ये देखें, इन्होंने लिखा है तोएं और सोएं, ठीक है रख दो। और अजान साहब जो है कमरे के अंदर, ये देखें, ये देखो ये गिरे ना तो साइकिल चलाते गिर गए। तो अब जो है बच्चों को मदरसे वगैरह लेके जाऊंगी, ये भी काम वाम कर लूँ और साथ के साथ आप लोगों को दिखाती जाऊंगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ आज का व्लॉग आपके साथ। और यहाँ नाश्ते के बाद चाय बहुत ज़रूरी है तो मैं चाय पी रही थी। तो फाइनली बच्चे यहाँ पर नहा लिए हैं, अजान हमारा भी ऐसे नंगा खड़ा हुआ है, इशमल ने यूनिफॉर्म पहन लिया है, अभी इन्हें हम रेडी करेंगे मदरसे के लिए, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये लोग किस तरह रेडी हुए हैं और मदरसे कैसे जाते हैं। यहाँ पर मैं भी रेडी हो चुकी हूँ सेंटर जाने के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं सिलाई सीख रही हूँ, मैं आप लोगों को सेंटर से आने के बाद दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या सिया और क्या क्या नहीं। तो अभी मैं जा रही हूँ सेंटर, 2 बजने वाले हैं, फिर मैं सेंटर से आके आपको मिलती हूँ। जब तक करिएगा वेट, मैं जाने लगी हूँ सेंटर क्योंकि मेरे सेंटर का टाइम हो गया है। मल जो है मदरसे ट्यूशन से पढ़कर आ गए हैं, उनकी फ्रेंड्स आई हुई हैं, ये भी फ्रेंड है साइकिल पे जो बैठी है वो भी, और जो उन्होंने इनकी गाड़ियाँ उतारी है वो भी उनकी फ्रेंड है। अच्छा रख देती हूँ, हाँ रख दूँगी। और अब ये लोग बच्चे खेलने आए हुए हैं शिफा इशमल के साथ शाम का टाइम में, और शाम में इनकी फ्रेंड्स शिफा इशमल की खेलने आ जाती हैं इनके साथ। तो ये कुर्ती स्टिच की है मैंने शिफा की, ये देखें, ये मैंने खुद स्टिच की है शिफा की कुर्ती, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खैर अभी तो मैं सीख रही हूँ, इतनी मास्टर नहीं हुई हूँ, लेकिन फिर भी हाथ काफ़ी मेरा साफ़ हो चुका है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टिचिंग की हुई चीज़ें कैसी लगी। और एक ये फ्रॉक मैंने स्टिच किए की तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन सीने वाली आई हुई थी तो वो मैंने वापस कर दी उनको, मीन्स सी कर, तो वो मैं उनकी वीडियोस नहीं बना सकी। ये देखें, ये मैंने खुद स्टिच की है, ये हमारी मम्मा की माली मकान नहीं है, उनकी पता नहीं नवासी है या कौन है, उसकी स्टिच की है ये मैंने। और देखें अभी टिच बटन लगाना बकाया है इसमें, पीछे टिच बटन नहीं लगाए हैं मैंने, तो ये लगा लूँगी, फिर उनको वापस देनी है उनकी जो इन्हें सी है। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा सारी वीडियोस पे।
मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। रात का टाइम है, शाम का टाइम था, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, रात हो गई, तो मैंने कहा चलो मैं नहा लेती हूँ। और फिर मेरे बाबा के भी लग गई थी चोट, तो मैं उनके वहाँ मालूम पढ़ने चली गई थी उनकी तबीयत। तो वहाँ से जैसे ही आई हूँ बहुत ज़्यादा घबराहट वगैरह हो रही थी मुझे, मैं आते ही नहाई हूँ। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, 9:30 होने वाले, तो मैं खाना बना लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ और क्या नहीं। चलें चलते हैं किचन की तरफ। तो मैं आ गई हूँ किचन में और ये देखें, ये सालन है, ये टमाटर वगैरह हैं। कल की रेसिपी आपने देखी होगी कि हमने बनाए थे वाइट चने, तो आज हम उनमें वाइट चने के सालन में हम डालेंगे चावल। तो हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना यहाँ पर। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, इसके बाबा खाने आ जाएंगे तो फिर जो है ना हम मिलते हैं, खाना बना लूँ उसके बाद। और यहाँ बन रहे हैं चावल और ये मैं दूध कर रही हूँ बच्चों के लिए बॉयल, जो कि हमारे दूध आता है बकरी का, बकरी हमारे यहाँ पाली भी है तो बकरी का दूध हो रहा है गरम। और यहाँ देखें ये हमारे चावल मैं डाल चुकी हूँ सालन के अंदर। अच्छा, मेरी रेसिपी अगर आप लोगों ने चने बनाने की, वाइट चने रेसिपी देखनी है सालन की, तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, कल मैंने वीडियो अपलोड की थी उसकी। और यहाँ पे खाना बन गया था और अब हम खा रहे थे खाना, तो सोचा आप लोगों को भी शेयर कर लूँ। अच्छा, चावलों के साथ दही लाजमी होती है हमारे, क्योंकि बच्चे शौक से खाते हैं। रात के 11:45 हो रहे हैं और यहाँ पर शिफाइश मल पी रही हैं दूध, बस अब ये सोने की तैयारी कर रही हैं, अजान पी चुके हैं, अब हम करेंगे बिस्तर, उसके बाद छुलाएंगे बच्चों को। पहले बच्चों ने दूध पी लिया है, बिस्तर भी हो चुका है हमारा, और जो है बस हमारा व्लॉग यहीं तक के था। पूरे दिन का मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने क्या किया क्या नहीं, बहुत थक चुकी हूँ। मिलती हूँ न्यू व्लॉग में, जब तक के इजाज़त दीजिए मुझे, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।